मशक्कत दिया, वक्त लाइन को फाड़ दिया, जिंदगी तेजी से सदी सुलझे आए, बिजली की बात है, इस समय वो काम कर रहे हैं, आए, मेरा उनका इशारा हो गया इस बार, सतीश को अपने घेराबंदी में फंसाया, शिकार हो गया, ऑफिशियल लाइन को उनका इशारा हो रहा है, थोड़ी सी चोटिल जरूर हुए दो चार के मुकाबले दो अंक की बढ़त, जिसकी इन्होंने रेड किया है अभी तक हर हमारा खिलाड़ी है, काफी तेज नजर रेड गिने जाने जाते हैं और जितनी तेजी से साथ जितनी स्फूर्ति के साथ गति प्रदान करते हैं अपने खेल में अपने फुटबॉल के लिए, आगे की थोड़ी सी चोटी जरूर हुए लेकिन उसकी परवाह इस समय बिल्कुल नहीं करेंगे विकेट, इसलिए ये मुख्य मुकाबला है, मौका छोड़ेगा नहीं, जहाँ से वो कमजोर मिलेगी वहाँ वो अपना हथियार जरूर चलाएगा और हथियार इस समय तरकस से कमान से छोड़ दिया है, मुकेश नंबर 10 के जर्सी के तीर को लेकर इस पर लगा अरविंद उनका काम करता है, उसके बाद सेकंड हाफ के खेल में उन्होंने बढ़त को खोया भी है, ये मुख्य मुकाबला है और फाइनल का बुनियादी गलती हो जाए तो फिर इस बढ़त पर जिस तरीके से 10 अंक की वो बढ़त है वो बार बार मन को कचोलेगा, सपना में भी नजर आएगा टेनिस फैन को, 10 अंक की बढ़त 11 अंक की बढ़त हो गई है, क्या छूट गया है गेम चेंजर बक्साई से, 6 और 17 के मुकाबले जहां 11 अंक की बढ़त इस समय कुलदीप है राउंड अप के साथ प्रहार के ऊपर, कॉर्नर इन के ऊपर फिंगर चलाया और खलबली मची हुई है डिफेंस में, डिफेंस को खींचकर अपना डिफेंस में परिचय देना होगा, टर्निंग पॉइंट पाली का जहां से सतीश की कॉर्नर इन लेकिन बोनस से वंचित नहीं रख सके गेम चेंजर बक्सा ही को, बोनस का एक अंक वो लिया अपने पाले में और एक बढ़त का टेकल का अंक सुनिश्चित किया, इस समय टर्निंग पॉइंट पाली 4 का डिफेंस नंबर 4 की जर्सी के साथ अरविंद है, 4 के वो दो दो की चेन बन गए और नंबर 4 की जर्सी के साथ प्रहार को जारी रखा है, इस समय टर्निंग पॉइंट पाली जहां से बढ़त जरूर है लेकिन अभी काफी समय है, उस समय में जैसे करवट बदलेगी गेम चेंजर बक्सा है वो इस तरह के गेम को चेंज करेगा इसकी भी बात होगी, लेकिन जिस हड़बड़ाहट के साथ जिस गति के साथ वो खेल को खेल रहे गेम चेंजर, संयम बरतने की लगातार चर्चा हो रही है, अंक मिलेगा आप बोनस के जरिए भी भरपाई कर सकते हैं अंक का, लेकिन ऐसा किया नहीं, उन्होंने बोनस शुरू कर दिया, अंकों की भरपाई आप बोनस के जरिए से भी कर सकते थे, बोनस के लालच में उन्होंने हुआ जॉय करें दो खिलाड़ी सुपर टेकर का मौका भी है, क्या समय वो अंतिम खिलाड़ी को सबसे बेहतर में घुना डिफेंस की जगह पर ऑफेंस को इन किया है जहां से उदय इस समय प्रहार करेंगे उस सबसे बेहतर के बाद यहां से बढ़तनी होगी और खुले तौर पे बोनस दे दे और बोनस
सब्सिट्यूट जरूर लिया उदय का। उदय को बुझाने की आवश्यकता थी, आवश्यकता थी ज्ञान चंद्र बक्साही को राज जी, लेकिन उदय ने कहू तो ध्यान कर दी जब टीम पर खड़े तो पकड़ा दी और एम चंद्र बक्साही अब वाक लाइन पर रोकने की तैयारी इतनी सादा था कि खिलाड़ी को टच नहीं किया और वो नुकसान झेलनी पड़ी अंत में मुकेश विकेट के आउट ऑफ बाउंड का शिकार हुए जहां से मुकेश और वहीं से गेम को अब चेंज करता है टर्निंग पॉइंट मुश्किल में फंस जाते और सेट हो जाते हैं जब संभवता मुकेश को लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अंत में दो गोलियां सुनिश्चित हो गई है जो सेंटर लाइन पर मुख्य निर्णायक संतोष कुमार यादव ने हम जहां से कमेंट्री कर रहे हैं संतोष कुमार टिकाम जी जहां मैच रेफरी है इस तरह दोनों छोर से वो ऑफिशियल मंडल के मुखिया चंद्रभान सिंह जगत जी साथ ही साथ हमारे छोटा राज जी है अध्यक्ष जिला सॉरी ब्लॉक कमेंट्रेशन पाली के मुखिया साथ ही साथ हमारे साथ लाइव कमेंट्री में जुड़े हुए हैं यही है उनकी ट्रिपल मंडी में मदद करना चाहती है दो अढ़ाई रिपोर्टर जी सतीश जी है दो अढ़ाई स्पेशली क्या कहना चाहेंगे दो अढ़ाई का इंतजार जिस तरीके से गेम चेंजर बक्साही कर रहे हैं जैसे ही दावा किया जो कहो कि समंदर की गहराई से आपको मोदी है तो एक अंक भी संतुष्ट होना पड़ेगा हाँ इस तरह जरूर है कि उनके मुख्य रेडर का शिकार जरूर होगा लेकिन हर एक अंक से थोड़ी सी मुश्किल में फंसती जाएगी गेम चेंजर बक्सा ही अभी भी दो अढ़ाई पर खेलना पसंद कर रही है बोलते हैं कगार पर है और उस कगार पर उस ताबूत पर अंतिम कीट ठोकने की तैयारी टर्निंग पॉइंट पाली कर रहे हैं राज जी बिल्कुल तैयारी के साथ खोज खटा के गेट पर बिल्कुल तैयार है यहाँ से टर्निंग पॉइंट पाली के लिए पाली गांव की नजदीक भी है उनके टीम वाले भी पाली से मिलान करते हैं और यहाँ दो अढ़ाई का इशारा वो आसमाने नाउ लग के तेल उंगलियां मैच रेफरी आदरणीय राज्य के लिए और जैसे पैर आ रहा क्वार्टर से काटी किया है अंकल के लिए अंकल को लिया एक अंक और सहेजा अपने पाले में 17 अंक की बढ़त 17-34 के मुकाबले अब कहीं जा करके ऑल आउट ले रही है यहां से और 34 की जगह अब 37 अंकन हो चला है अंतिम समय की ओर अग्रसर हो चले हैं जहां से 45 सेकंड का खेल ही आने होंगे